हेलो गाइस, आज हम फिर से आगे टिकटॉक के एक वायरल वीडियो का ट्यूटोरियल को लेकर, जैसा कि वीडियो देख सकते हैं ये विवाह मूवी का सॉन्ग है, जिस सॉन्ग पे कुछ इस तरह से वीडियो को एडिट किया गया है। तो आज मैं आपको बताऊंगा इस तरह के वीडियो आप कैसे बना सकते हैं। यदि आप इस तरह के वीडियो बनाते हैं तो आपके वीडियो पर काफ़ी ज़्यादा लाइक्स एंड व्यूज आ सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में काइनमास्टर एप्लीकेशन और एक ग्रीन स्क्रीन वीडियो का लिंक दे चुका हूँ, दोनों को आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद चलते हैं मोबाइल के होम स्क्रीन पे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भाई का भी नाम जान लीजिए। मेरा नाम है शैलेंद्र, आप देख रहे हैं टेक्निकल शैलेंद्र यूट्यूब चैनल। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। वीडियो के डिस्क्रिप्शन से काइनमास्टर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद प्लस के आइकन पर क्लिक करना है, 9:16 का रेशियो सेलेक्ट कर लेना है। मीडिया पे आना है, बैकग्राउंड पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको ब्लैक बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेना है। इस बैकग्राउंड को कुछ इस तरह से 18 से 20 सेकेंड तक कर देना है। लेयर पर आना है, मीडिया पर आना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक ग्रीन स्क्रीन वीडियो का लिंक दे चुका हूँ, सिंपल क्लिक करना है और इसे आपको फुल स्क्रीन में कर देना है। वीडियो आप देख सकते हैं, आपका वीडियो कुछ इस तरह से शूट किया गया है। वीडियो क्लिप पे क्लिक करेंगे, लास्ट पॉइंट पे आना है और एक्स्ट्रा पार्ट को ट्रिम टू राइट कर देना है। इसके बाद ग्रीन स्क्रीन वीडियो क्लिप पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है क्रोमा की का, सिंपल उसको इनेबल कर देना है। कलर की पे आना है और आपको यहाँ पे ग्रीन कलर सेलेक्ट कर लेना है, इसे आपको कुछ इस तरह से एडजस्ट कर देना है। इसके बाद वीडियो को आगे की तरफ लेकर आना है, 6.0 पे आना है, लेयर पर आना है, मीडिया पर आना है और आपने जो वीडियो शूट कर रखे है उस वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है। तो मैंने वीडियो को सेलेक्ट कर लिया हूँ। सेलेक्ट करने के बाद वीडियो को आगे की तरफ लेकर आना है, जहाँ तक ये ब्लैक कलर दिख रहा है वहीं तक आपको रहने देना है। इसके बाद एक्स्ट्रा पार्ट को ट्रिम टू राइट कर देना है। वीडियो क्लियर पे क्लिक करेंगे, स्क्रीन पे क्लिक करेंगे, फुल स्क्रीन में कर देना है। वीडियो क्लियर पे करेंगे और इस ओरिजिनल वीडियो को आपको साउंड को म्यूट कर देना है। इसके बाद वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे, 3 डॉट पर क्लिक करेंगे, सेंड टू बैक कर देंगे। जब आप वीडियो प्लेइंग करेंगे तो आपको वीडियो कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद लास्ट पॉइंट पर आना है, फिर से आपको देख सकते हैं यहाँ पर ब्लैक कलर स्टार्ट हो चुका है। 10.8 या 10.9 पे आना है, लेयर पे आना है, मीडिया पे आना है और आपने जो सेकेंड वीडियो शूट कर रखे है उस वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है। मैं सबसे पहले वीडियो को सेलेक्ट कर लेता हूँ। वीडियो को मैंने सेलेक्ट कर लिया हूँ। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे देखना है वीडियो हमारा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। सेकेंड पार्ट का वीडियो आप देख सकते हैं हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। एक्स्ट्रा पार्ट को ट्रिम टू लेफ्ट करेंगे, वीडियो पर प्रेस करेंगे, आप यहाँ पर 10.8 या फिर 10.9 के आसपास लेकर आ जाना है। वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे, स्क्रीन पर क्लिक करेंगे, फुल स्क्रीन में कर देना है। वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे और 3 डॉट को, इसके बाद वॉल्यूम पर क्लिक करेंगे और वॉल्यूम को आपको म्यूट कर देना है। वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे, 3 डॉट पर क्लिक करेंगे और सेंड टू बैक कर देना है। अब आपका वीडियो जब प्ले करेंगे तो आपका वीडियो कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद सेटिंग पर क्लिक करना है, ऑडियो फेड आउट को ऑफ कर देना है, शेयर पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको HD 720p और 30 सेलेक्ट करने के बाद वीडियो को एक्सपोर्ट कर देना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक साउंड लिंक दे चुका हूँ, उसी वीडियो के साउंड पे आपको इस वीडियो को अपलोड कर देना है।